अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पंजाब बॉर्डर पे फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरह मैंने शुरुआत की थी गांव के स्कूल से, पढ़ी 10वीं तक, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी हिसाब में, उसके बाद से मैंने समाज सेवा का काम शुरू किया, एक्टिंग लाइन से जुड़ी, तो मैं अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ। मैंने मॉडलिंग भी की, फिर सीरियल भी की, फिल्में भी की, और इसके साथ साथ फिर मैं 12 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, बीजेपी से। बीजेपी की सरकार आपने देखा पिछले 5 साल रही और केंद्र में भी रही, हरियाणा में भी रही, केंद्र में आपको तो मुझे खुशी है मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, और बीजेपी देश की दुनिया की नंबर वन पार्टी सबसे आगे है, ये पार्टी सदस्यता के मामले में इसकी सदस्य सबसे ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो देखिए हमारे यहाँ दो पार्टियाँ ज़्यादा रही, कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में आई अभी पूर्ण रूप से पिछले 2014 में, और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं और काम करते हैं। तो आज का एक विषय है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊँ, उससे पहले मैं जैसे अपने बारे में बता रही थी, तो आप लोग भी किसी गांव से जुड़े हो, किसी कोई शहर से जुड़े, गांव से कौन कौन है? सभी गांव से है, मैक्सिमम गांव से है। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका, इसका पूरा नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उद्यान प्रशिक्षण संस्थान, इनकी कॉपी के कॉपी देना। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि किसानों को यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, और आप भी कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी से ताल्लुक़ रखती हैं, गांव से जुड़ी हैं, तो खेतीबाड़ी के विषय में जानती भी होंगी और पता भी रहना चाहिए। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैंने भी जैसे बचपन में अपने पिता को खेत में काम करते हुए देखा, थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी है, तो घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खेत में काम करने वाले व्यक्ति के घर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हल और ये सब क्या क्या मशीनें होती हैं, ये जानकारी मुझे सब है, किस तरह से कौन से समय में कौन सा बीज लगाया जाता है, कौन सी फसल होती है कौन से महीने में, तो ये भी जानकारी हमें रखना ज़रूरी होती है, क्योंकि हरियाणा जो हमारा प्रदेश है वो खेतीबाड़ी से ज़्यादा जुड़ा है, तो ये जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। और आप लोग ये कोर्स करने के लिए आए हो, फूड प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताया गया होगा, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है सारी चीज़ें, तो मैं इस चीज़ को मैं अच्छा मानती हूँ कि गाँव से महिलाएँ आई है। मेरे गाँव में नहीं पता अभी तक, मेरे गांव में नहीं पता कि यहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र भी है जो सरकार के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये मैं मेरा ये जो मैसेज है डॉक्टर साहब, मैं मेरी विधानसभा में भी दूंगी, यादवपुर में भी। कई बार ऐसा होता है महिलाएं पूछती हम क्या काम करें, तो काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, और सरकार इतनी मदद कर रही है, इतनी सारी योजनाएँ सरकार ने चलाई हुई हैं, सरकारी खाते से पैसे भी मिलते हैं, प्रशिक्षण भी मिलता है। तो आप लोगों को ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, इसमें कोई पैसा भी खर्च हो रहा है आपको? नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, यानी फ्री आपको है, बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है, इनका बस स्टैंड फेयर भी फ्री है, रिइंबर्स करेंगे, यानी किराया भी आपका फ्री है, आपका रहना भी फ्री है, आपको ट्रेन भी फ्री किया जा रहा है, तो आपको खाना भी फ्री है, सब फ्री है। तो ये सरकार का धन्यवाद करती हूँ मैं, किसान के हित में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वो अपना एक क्यारी में भी शुरुआत कर सकता है, एक पटा ज़मीन जो होती है उसमें भी एक किचन गार्डनिंग के रूप में महिलाएं अपनी शुरुआत कर सकती है। अच्छा, इनको ऑर्गेनिक फूड मिलता रहे, जहरीला आजकल केमिकल फर्टिलाइजर के बगैर, केमिकल इंसेक्टिसाइड के पेस्टिसाइड के बगैर आप अपने घर का फूड भी आसपास, अपने घर के आसपास किचन गार्डनिंग के रूप में। और आजकल देखिए हरियाणा में हर तरह का फल पैदा होता है, हर तरह की सब्जी होती है, पहले ऐसा नहीं था, तो अब हर तरह का फल आप लगा सकते हो, जो विदेशों में जो फल होते हैं वो भी हमारी ज़मीन में होते हैं, तो हमें एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और जो खेती करने वालों के घर में जो महिलाएं होती हैं वो तो मतलब अपना किचन गार्डनिंग से अपना पैसा कमा सकती हैं, तो एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप मैंने कई प्रदेशों में आजकल इंटरव्यू कई महिलाओं के पढ़े हैं, एक राजस्थान में एक महिला जो अनार की खेती है जिसकी, तो करोड़ों रुपए की आमदनी है उनकी उस अनार की वजह से, उन्होंने अनार की खेती की। तो इस तरह से आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते हो और अच्छा अपने परिवार का आर्थिक सहयोग कर सकते हो। तो
आप लोग सीखने आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैंने भी अपने फील्ड में जो काम किया, यानी जो कला के क्षेत्र में एक्टिंग लाइन से जुड़ी, उसमें कर रही हूँ, और बीजेपी में मैं आई समाज सेवा के माध्यम से, तो मुझे इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मिला और मैं चुनाव लड़ी आदमपुर से, और मैंने 35,000 वोट लिया आदमपुर विधानसभा से पहली बार। और मेरी आप सभी को ये शुभकामनाएं हैं कि आप भी आगे बढ़ो और अपना जो भी फील्ड चुनो, चाहे खेतीबाड़ी चुनो या कोई सिलाई कढ़ाई या कोई कुछ भी छोटा मोटा उद्योग धंधा जो भी कुछ भी लगाना चाहो, आप अपने पाँव पे ज़रूर खड़े हो, अपनी मेहनत और लगन से ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी निस्वार्थ भाव से काम में लगता है ना, उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है, साफ मन से जो काम करता है। हमें किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ अगर हम चलते हैं तो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो एक आप लोगों से एक अनुरोध, आज आप लोग मुझे मिले, मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोग मुझे मिले, आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। चार डिस्ट्रिक्ट यानी रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी, चरखी दादरी कुरुक्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र, यहाँ से आप महिलाएं सब आई हैं और ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी मैं देख रही हूँ, तो अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलके। अब एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, आज देश में थोड़े कई जगहों पे दंगे फसाद हो रहे हैं, आपने सुना होगा JNU में और कई जगहों पे हो रहा है, UP में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे हो रहा है, तो ये इसका कारण क्या आप लोगों को पता है? कारण नहीं पता ना, कारण मैं बताती हूँ। कारण सिर्फ इतना ही है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए कि वो अपने रास्ते से अलग हट जाएं, वो देश के लिए कुछ ना करें, देश के हित में जो चीज़ें तय कर रहे हैं उससे अलग हट के कुछ करें। कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति के लिए, यानी कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो करवाती है ये सब कुछ। एक चीज़ आपको जानकारी होगी, 3 तलाक के बारे में जानकारी आपको, मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ इतना कह दिया जाता है तलाक तलाक तलाक, 3 बार कहा और उसका तलाक हो गया, वो अपने परिवार अपने बच्चों से अलग हो जाती थी। तो ये कानून लेके आए, 3 तलाक का जो कानून मोदी जी लेके आए, और दूसरा धारा 370 सालों पहले बीजेपी के लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी तब उन्होंने एक ही संकल्प लिया था कि भारत देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर जो था वो अलग था, भारत का हिस्सा नहीं था, और धारा 370 हटाने के बाद ये देश का हिस्सा हुआ, और अब देश का एक निशान एक प्रधान और एक ही कानून के साथ चल रहा है ना, भारत देश के प्रधानमंत्री ने ये किया ना, उसकी वजह से संभव हो पाया। आज सालों से जो 70 सालों से कश्मीर जो इतनी अच्छी धरती है, देश का हिस्सा रहते हुए भी नहीं था, वहाँ पे भी कितने सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और आज वो प्रधानमंत्री की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि शांति वहाँ भी शांति रहेगी। और तीसरी चीज़, नागरिक संशोधन अधिनियम, यानी कि नागरिक संशोधन कानून जो पास हुआ है अभी, उस पे ये जो दंगे फसाद मैं आपको बता रही हूँ, CAA, तो हर किसी से पूछा जाता है कि आप CAA का समर्थन करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है CAA क्या है, नागरिक संशोधन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इस पे इस एक्ट को कानून इस पे पास हुआ है, जो पूरा मैं विस्तार से बताती हूँ आपको, जिसमें 2 मिनट का समय जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान देश के 2 हिस्से हुए, तो एक जगह पे मुस्लिम जो हमारे भाई थे उनको जगह मिली पाकिस्तान में, और जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में, तो उसमें से कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, वो अपनी ज़मीन जायदाद वहीं पे छोड़ना नहीं चाहते थे, कुछ मुस्लिम भाई हिंदुस्तान में रह गए थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर 3% पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और उस तरफ 23% हिंदू रह गए थे,
कहते हैं इसको, यानी कि ज़्यादा हिंदू पाकिस्तान में रहे और इधर मुस्लिम भाई कम रहे। अभी संख्या जो है वहाँ पे पाकिस्तान में 23 से 3% हो गया, घट गए वहाँ पे 3% हो गया, और यहाँ से 3 से 23 से भी ज़्यादा हो गए। हमने हमारे मुस्लिम भाइयों का सम्मान किया, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकार ने सम्मान किया उनको, बराबर से हमने अपना भाई समझकर, और वो सब तरह से सुरक्षित महसूस भी करते हैं, सब सब अच्छा है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ की महिलाओं पे इतने अत्याचार होते हैं वहाँ पे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैं वो शब्द बोल नहीं सकती, महिलाओं के साथ ऐसा बुरा व्यवहार होता है वहाँ पे, और स्थिति इतनी खराब है कि हिंदू 23 से 3% कैसे आया, नहीं वो कैसे गायब हुए वो लोग, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, या उनको मार दिया गया, उनको मार भी दिया गया, उन पर अत्याचार हुए, वो दूसरे देशों में भी चले गए। तो अब ये देश का कानून, ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया है, इस कानून के तहत हमें ये अधिकार मिला है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने अल्पसंख्यक वहाँ के, यानी हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनको सम्मान से वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, वो हिंदुस्तान में आके नागरिकता ले सकते हैं, यहाँ पे काम काज कर सकते हैं। अगर हमारे साथ व्यवहार हिंदुस्तान में होता है और हमें कोई देश जगह दे रहा होता है तो हम भाग के नहीं जाएंगे, तो वो लोगों को सम्मान मिल रहा है, तो देखिए देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक जगह दी है रोजगार में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ, विभाजन हुआ, उस समय उनका एक वाक्य था कि जो लोग हिंदुस्तान में आना चाहे उनके लिए रास्ते खुले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आना चाहे आ सकता है, और इस देश के कानून का कर्तव्य है कि उनको रोजगार भी। गांधी के कहे हुए शब्द हैं और उन्हीं पे हमें चलना भी चाहिए, जो देश आज़ाद करवा के गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन नियमों पे हमें चलना चाहिए, और ये कानून आज पास हुआ है और आज के दिन ये लागू भी हो गया ये कानून, तो हम सब समर्थन करते हैं। तो आपके समझ में आया क्या है सीए? मतलब कि किसी को नागरिकता देने के लिए कानून बना है, और जो लोग फसाद, दंगे फसाद करवा रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें देश से निकालेंगे, किसी को नहीं निकाला जा रहा, उनको जो समर्थन करते हैं ना, दोनों हाथ खड़े करके कहो हम समर्थन, जो यहाँ का नागरिक है ना वो यहीं रहेगा, किसी को नहीं निकाला जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, किसी को नहीं निकाला जाएगा, वो यहीं रहेंगे। तो आपके साथ मैं टिकटॉक वीडियो भी बनाऊंगी आज, और फेसबुक के माध्यम से भी आप सब लोग समर्थन करेंगे, वी सपोर्ट CAA, इंडिया सपोर्ट CAA। आप फोन उधर ले देंगे, आप लोग इधर आ जाइए। यहाँ पे नहीं, आप इधर फैल जाइए। आप सब लोग आओ, तो आप फोटो भी लीजिए साथ, मेरे साथ आप बोलिए इंडिया सपोर्ट CAA, इंडिया सपोर्ट CAA, इंडिया इंडिया सपोर्ट सपोर्ट CAA, आई आई सपोर्ट सपोर्ट CAA। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी हम टिकटॉक वीडियो भी बनाएंगे, और उसमें अगर आप गा के कह सकते हैं, टिकटॉक के लिए फोन आपको लेके आना पड़ेगा। हाँ, सेल्फी लेंगे हम इसके बाद सबके साथ लेंगे। टिकटॉक के लिए दो तीन लड़की मैंने बोला था मैम की, आगे आ जाओ सामने। हाँ, अभी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुरुक्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक
आपके इसका नाम है हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसके अंदर है और यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कियों का ग्रुप अलग है, यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की फ्री व्यवस्था है हर तरह से। तो सारे हरियाणा के सभी किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले और अपनी खेतीबाड़ी को अच्छे ढंग से करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।